बिहार में आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईबीसी एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को खत्म कर दिया है। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। अब इस फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस मामले में गौरव कुमार और अन्य के दायर याचिका में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सुनवाई का फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ, गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी बहस हुई थी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने यह आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था। राज्य सरकार ने यह आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया था। कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इसमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। हमें स्मरण है तमिलनाडु को भी बहुत वर्ष लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था, हम भी तैयार हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर हैं, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए, पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के दौर में भी देखा। मैं आग्रह करूंगा नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उस ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। अभी भी आग्रह करेंगे, हमारे नीतीश जी की कृपा से ही एनडीए की सरकार चल रही है इस बार, तो वो कम से कम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप तुरंत ऊपर की अदालत में जाकर के अपना जो हकूक है एक बड़ी आबादी का, उसको हर तरह से उसको कोर्ट किया जाए, हर तरह से उसको संरक्षित किया जाए